नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार सेवेंथ फेज टीचर वैकेंसी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है कि जो लोग 11th 12th के टीचर बनना है उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, 9th 10th के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, प्राइमरी के लिए क्या चाहिए, 6th टू 8th के लिए क्या चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, जो बच्चे, हाँ एक बात और, जो बच्चे बिहार टीचर की एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा बिहार सेवेंथ फेज टीचर वैकेंसी जो है फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आप वहां से पूरा का पूरा वीडियो क्लासेस नोट्स सब कुछ फ्री में है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पूरे क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि क्या क्या चाहिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। जैसे अगर कक्षा 11 और 12 आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर ले रहा हूं। 11 और 12 तक के विद्यालय में अगर अध्यापक के लिए सामान्य विषय जनरल जो विषय होते हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कम से कम 50% अंकों के साथ आपका क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पीजी आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। और यह भी बोला है कि 50% अंक किसमें होना चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो पर्टिकुलर जिस भी विषय के आप टीचर बनना जाओगे उस विषय के साथ कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए उसमें। वही बोला 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका पीजी उत्तीर्ण होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 11 और 12 के लिए है। उस सब्जेक्ट के बारे में बोला है जो आपका जिस सब्जेक्ट से करोगे ना उसमें आपका 50% अंक से साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए, बाकी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया आप लोगों को। फिर बाकी आपका एक और, इसके अलावा भी और कौन हो सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ पीजी। अब यहां पर पीजी क्या है, अगर आपका 45% है पूरा होल पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में, ठीक है, उसके बाद यहां पर लगाया है तथा इसके समतुल्य मतलब समकक्ष वाला हो गया 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन, ठीक है, पत्र आपका जो उसमें दिए गए होगा ये आपको चाहिए, जरूरी है। आवेदन पत्र जमा करने का समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, ठीक है, ये विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास 45% है पूरा पोस्ट ग्रेजुएट में तो आपको ये चीजें जो बोला गया यहां पर कि अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में जो आपका मान्यता के लिए आवेदन पत्र, पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों के निर्धारण के लिए जो भी चीजें हैं ये उनके लिए हो सकता है जो आपके पहले से टीचर हैं, ठीक है, जिनके परसेंटेज ओवरऑल 45 हैं उनके लिए आपको करना है। अगला है, अगर हम बात करें इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, ठीक है, कम से कम 50% अंकों सहित आपके उस विषय में पीजी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट या उसके समकक्ष समतुल्य बोला है, और तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका बीएड या बीएससीएड होना चाहिए, ठीक है, यह भी चलेगा। और इसके बाद और क्या होना चाहिए, न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड, ग्रेड भी बोला जो 55% है उसके समकक्ष आपका ग्रेड के साथ, किसी किसी जैसे विद्यालय में क्या होता है ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो ऐसे 55% का जो ग्रेड होगा इक्विवेलेंट वो आपका लिया जाएगा, विषय में पीजी और 3 वर्ष का जो आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोई किया होगा बीएड के साथ एमएड किया होगा तो उनके लिए ये आहर्ता है कि उनके लिए 55% किसमें चाहिए, उस विषय में चाहिए जिस विषय के वो टीचर बनना चाहते हैं, जो इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा बीएड के साथ एमएड वाले होंगे, ठीक। चलिए अब 11 और 12 में कंप्यूटर साइंस के जो टीचर बनना चाहता है उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, यह ध्यान रखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त
विद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि, जैसे डोएक सीसी से स्तर ए या किसी भी विषय में आपका पीजी की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद से यहां पर क्या बोला गया है, किसी मान्यता प्राप्त, क्योंकि ए जो लेवल कोर्स है डोएक का, ए लेवल जो कोर्स है वो कंप्यूटर पे होता है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक किस में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल नहीं है, चाहे और कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं है। AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अगर आपने बीई किया है, पहले बीई होता था अब बीटेक हो गया वही चीज, तो बीटेक के दो ब्रांच सिर्फ एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इनके लिए कोई भी बीएड जरूरी नहीं है। ठीक है, बीएड की आवश्यकता यहां पर नहीं है, आपको यह ध्यान रखिएगा कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। उसके बाद से क्या बोला है, और भी हैं जिनके पास, अगर दूसरे ब्रांच वाले हैं तो उनके पास भी ऑप्शन है। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीई या बीटेक हो, कोई और भी स्ट्रीम है आपका, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और आईटी छोड़ के, की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आप कंप्यूटर में पीजी डीसीए कर लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हो, तभी भी यार आप एप्लीकेबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तीसरा क्या है आपका, इन सब में से कोई एक है आपके पास ना, तो आप एलिजिबल हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपका पीजी हो या एमएससी हो, ठीक है, एमसीए हो आपका, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपका, जैसे यहां पर बोल दिया ना, बीसीए वाले मत सोचना कि यहां पे बीटेक एलिजिबल है तो बीसीए वाले भी एलिजिबल होंगे, नहीं, ये 4-4 साल का कोर्स होता है यहां पे कंप्यूटर साइंस और आईटी, यहां पर कहीं समकक्ष नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ बी और बीटेक लिखा हुआ है। और यहां पे जब आओगे तो बोला कंप्यूटर साइंस में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो आप जनरली चलता है, तो कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट या एमसीए वाले जो है आपके एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, चलिए यहां पर क्या है, कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या किसी विषय में आपका पीजी होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक हो डैश या बीसीए किया हुआ हो, अब यहां पर देखो बीसीए के लिए कंडीशन लगाया, कंप्यूटर साइंस में स्नातक डैश बीसीए एवं किसी विषय में आपका पीजी हो, कोई और विषय से वो पीजी है और उसने बीसीए किया हुआ है, ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा। अब आ जाइए यहां पर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो एवं किसी विषय में पीजी की उपाधि लिया हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद से DOEACC से डोएक से आपका कौन सा बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में पीजी की उपाधि लिया है, तो वो भी आपका एलिजिबल होगा। आते हैं नेक्स्ट, एक एक के आपके इतने दे दिए हैं कि सब लोग एलिजिबल हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय DOEACC से स्तर पर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, जो ABC है ना, ये तीनों के लिए आपके डोएक वाला, ये तीनों एलिजिबल है, लेकिन तीनों के साथ कंडीशन है, किसी में आपको पीजी होना चाहिए, सी के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगर आप स्नातक हो किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, लेकिन अगर आपने डोएक से सी लेवल कोर्स किया है तो। आ जाते हैं अब थर्ड नंबर पर, ये किससे है, कृषि वाला है, ठीक है, ये कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के जो, अगर आपको टीचर बनना है 11 और 12 में, उसके लिए आप देख लीजिए कि 50% अंकों के साथ विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि या उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी विषय में पीजी आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। इतने जो आपके सब्जेक्ट दिया गया है ना, स्नातक तथा इस विषय का जो दिया गया है, इनमें से किसी विषय में, ठीक है, किसी एक विषय में आपने अगर पीजी किया है तो आप एलिजिबल होंगे। मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे होता ना मैक्सिमम इन सब चीजों में आपका कोई ना कोई केस कर ही देता है, तो वो लास्ट में जो आपका विभाग बोलेगा वही माना जाएगा। अब संगीत के बारे में देख लेते हैं,
संगीत का अगर टीचर बनना है 11 और 12 में, इसमें भी आपको 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में क्या होना चाहिए, पीजी की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष। ठीक है, आपके संगीत में आपका पीजी होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद, वही बोला, उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद से आपका किस कौन सा विषय है, कक्षा 9 और 10 के बारे में आ जाता है। अभी तक हमने 11 और 12 में देखा, अब कक्षा 9 और 10 में विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या क्या है देख लो। जो आपका विषय होगा, विषय समूह होगा, उसमें कम से कम 50% अंक सहित आप क्या होंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, देखना यहां पर आपको ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, इसके समतुल्य समकक्ष हो गया, उत्तीर्ण होना चाहिए एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको बीएड यहां पर भी मांगा है, जो आपका 9th और 10th वाला है, 11th है, 12th वाले में भी मांगा है, और यहां पर मेन आपका है बोला है स्नातक, या आप स्नातक भी किए हो, पीजी भी किए हो तभी भी चलेगा, बेसिकली स्नातक होता है। ठीक है, तो आपका स्नातक के साथ, ग्रेजुएट के साथ अगर आपका बीएड है तो आप एलिजिबल हो इसमें। ठीक है, विषय में आपका कम से कम जिस विषय में आप भरना चाहते हो उसमें आपका 50% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी फिर से आपका वही दोहराया गया है, स्नातक के लिए अगर 45% है आपका तो सेम आपका पीजी वाला यहां पर है। इसमें आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से उस विषय में जिस विषय से आप भरना चाहते हो समूह में बीएड या बीएससीएड की 4 वर्षीय उपाधि है, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, यह ध्यान रखिए। फिर 9 और 10 के लिए कौन सा यहां पर बोला है, शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में आपके क्या अर्हता चाहिए 9 और 10 के लिए वो देख लो। यहां पर बोला गया है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होना चाहिए, मतलब एक कोई और वैकल्पिक विषय हो और जो आपका फिजिकल एजुकेशन विषय है उसमें आपका 50% सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक है, आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलीट्स में सहभागिता, ये सब चीजें आपके अंदर है अगर 45% है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्राइटेरिया दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना कि अगर 45% है तो उसके लिए क्या करना है। चलिए, बेसिकली आप जान लो कि अगर शिक्षा शास्त्र वाले हैं तो उनके लिए क्या है, बाकी सब पूरा अथवा अथवा करके दिया गया कि आप कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। बेसिकली आपका क्या होना चाहिए कि आपका अगर 2 सब्जेक्ट है जिसमें से शिक्षा शास्त्र में आपका 50% होना चाहिए दोनों में, एक कोई भी विषय हो ऑप्शनल, एक आपका शिक्षा आपका वो फिजिकल एजुकेशन हो, शारीरिक शिक्षा हो, उसमें 50% और एक आपका विषय कोई हो उसमें 50% के साथ आप ग्रेजुएट क्या हो, पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो शारीरिक शिक्षा के टीचर में। बाकी इसके आपके अलग अलग तरीके से जो भी जो फॉलो करेगा उसके लिए यहां पर दिया गया है। हाँ, और देख लेते हैं आगे चल के, अब संगीत विषय में कक्षा 9 और 10 के विद्यालय जो आपके हैं विद्यालय में अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है, अभी 11-12 का बात किया गया था तो अब 9-10 का बात कर लिया जाए। हाँ, यहां पर भी 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान जो आपके होते हैं संगीत वाले से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता, मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, वही बोला है, तो ये सब आपका विभाग तय करेगा अगर विवाद है कि यहां का मान जो है चलेगा कि नहीं, यहां से हमने संगीत में कोर्स किया है फला इंस्टीट्यूट से चलेगा कि नहीं, वो सब आपका विभाग तय करेगा। यहां पर साफ साफ पहले से ही लिख दिया है, लेकिन बोला है संस्था तो मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, ऐसी वैसी कोई फर्जी संस्था नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कोई बीएड वेड की आवश्यकता नहीं है म्यूजिक टीचर के लिए। हाँ, अब ललित कला विषय में कक्षा 9 और 10 के विद्यालय के लिए आपका क्या है,
ललित कला में, इसमें भी आपको 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता चाहिए। उसके बाद से नृत्य विषय में, डांसिंग वाले में देखिए, हाँ डांसिंग वाले में 9 और 10 का अगर आपको टीचर बनना है तो इसमें भी आपको 50% अंक चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से आपका नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 9 और 10 में अब किसके लिए है, कक्षा 9 10 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, जो एक स्पेशल आपके स्कूल हैं उनके अध्यापक के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। जो आपके कुछ स्पेशल स्कूल होंगे उनके लिए, आपके 9-10 के जो टीचर होंगे उनके लिए बोला गया है कि 50% आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद से खा में क्या बोला, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो, मतलब यहां पर आपका बीएड या ये जो आपका सीआरआर नंबर धारित हो वो आपका इसके साथ चाहिए 50% के साथ, ठीक है। या यहां पर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो, ठीक। तो ये चीजें आपको चाहिए तब जाके आप विशेष स्कूल के लिए आप अध्यापक का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद से हम लोग आते हैं, हाँ कक्षा 9-10 में विद्यालय के अध्यापक पद हेतु पर नियुक्ति हेतु विशेष समूह निम्नवत होंगे। अच्छा अब आते हैं हम लोग कि जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष समूह इस प्रकार का है, जैसे क्या है, गणित आपका है, गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो, मतलब गणित के साथ आप या तो फिजिक्स लिए हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपका कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी आपने जो भी लिया है तो आप मैथ का टीचर बन सकते हो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। विज्ञान का टीचर अगर आपको 9वीं 10वीं में बनना है तो आप स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, मतलब ये आप पढ़े होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो खासकर चलता है 9वीं और 10वीं के टीचर बनना है तो आप स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो, यह ध्यान रखिए। जो सोशल साइंस के टीचर होंगे 9 और 10 के उनमें ध्यान चाहिए कि आपको दो विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है आपका स्नातक। अब उसमें भी बोल दिया है गया है कि जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय जो होगा या तो इतिहास हो या तो भूगोल हो, मतलब आप हिस्ट्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन एक सब्जेक्ट रख लो, ज्योग्राफी के साथ अगर हिस्ट्री है तो कोई भी आप कॉम्बिनेशन एक आप विषय ले सकते हो, हिस्ट्री आपका होना चाहिए तो हिस्ट्री आप भूगोल चाहे हिस्ट्री के साथ अर्थशास्त्र हो सकता है चाहे पॉलिटी हो सकता है, ठीक है, या ज्योग्राफी के साथ अर्थशास्त्र या पॉलिटी हो सकता है, या ये भी कर सकते हो इतिहास और भूगोल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन ये बोला गया है कि जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय या तो इतिहास हो या आपका भूगोल हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पॉलिटी और अर्थशास्त्र ले लिए, ठीक है, पॉलिटी और अर्थशास्त्र से कोई स्नातक होगा तो वो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो आपके दोनों विषय कम से कम आपको होना चाहिए स्नातक में, दोनों में से इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय आपका कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। चलिए हाँ अब हम आते हैं भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय से संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना चाहिए। जो भाषा होगा साफ साफ बोल दिया 2 वर्ष वाले नहीं एलिजिबल होंगे। जो भाषा है चाहे अंग्रेजी हो जो भी भाषा का पेपर होगा उसमें अगर आपने 3 साल पढ़ा है भाषा
तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष विषय समूह निम्नवत हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहां पर पीजीटी के लिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पढ़ा हो। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हो। इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से जो भी कहा हो तो आप इकोनॉमिक्स पीजीटी बन सकते हैं। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर ऑफ ए डिग्री ऑफ एम कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, ये आपके एलिजिबल नहीं होंगे कॉमर्स के लिए। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स हैं वो लोग जो पढ़े हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे किसके लिए, कॉमर्स की पीजीटी वैकेंसी के लिए। बायोलॉजी वाले, अगर आपको पीजीटी बायोलॉजी का टीचर बनना है तो वो सब्जेक्ट आपने ये पढ़ा है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर, प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड देन हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ए ग्रेजुएशन। ठीक है, मैथ के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है आपने पीजी में, तो ये सब आपका सब्जेक्ट का कंसर्न है। अब आते हैं 11 और 12 में। ठीक है, वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में क्या होना चाहिए कि वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः ईपीएस, ठीक है, अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। जो आपके कॉमर्स वाले हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, तो इनमें से आपका तीन विषयों में से किसी एक विषय में वो अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार ईपीएस, ठीक है, अथवा अकाउंटेंसी अथवा बिजनेस स्टडी, ठीक है, विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। जिसमें उनको चाहिए, जो आपके कॉमर्स वाले हैं, जैसे आपका ईपीएस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया और बिजनेस स्टडी हो गया, उनको ऐसे ही अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पोस्ट भी मिलेगा। चलिए, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 तक जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए अब देख लेते हैं। प्राइमरी के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, यहां पर भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 10+2 आपका पास होना चाहिए। पहले भी मैंने बता रखा है कि आपको प्राइमरी के टीचर के लिए क्या होना चाहिए, 10+2 की अर्हता होनी चाहिए, लेकिन यहां परसेंटेज भी बाउंड किया गया है और ये जनरली होता है जब आप सीटेट टूटेट भरोगे ना उसमें भी ये होता है। ठीक है, तो 50% अंकों के साथ 10+2 अथवा इसके समकक्ष जो भी होता होगा, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब यहां पर आपके डीएलएड वाले आ जाएंगे, बीटीसी वाले, जो पहले से बीटीसी ही डीएलएड हो गया है, तो ठीक, तो वो लोग आपके 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है इसका नाम कुछ भी जाना जाए बोला है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो 2 साल का डिप्लोमा है आपका उसे कोई भी नाम दिया गया उससे मतलब नहीं है। आपने अगर 10+2 50% के साथ अगर आपने वो डिप्लोमा किया है 2 साल वाला, तो आप एलिजिबल हो प्राइमरी टीचर के लिए। और यहां पर बोला है न्यूनतम 45% अंकों के साथ अगर 10+2 है या उसके समकक्ष है, तो आप प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया है, तो उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कंडीशन लगा हुआ है, यह आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार आपका होगा अगर आपके 45% है तो। अब आते हैं 50%, यहां पर इसके अलावा क्या है, 50% अंकों के साथ 10+2 हो या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, बीएलएड है, तभी भी आप एलिजिबल हो प्राइमरी टीचर के लिए। मतलब आपका 50% 10+2 में है और आपने बीएलएड किया है, ठीक है, बीएलएड किया है तो वो भी वाले एलिजिबल है। बाकी 50% अंकों के साथ आप 10+2 हो, ठीक है, उसके समकक्ष हो या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया हो 2 साल का जिसमें आपको किस क्या पढ़ाया गया हो, जो शिक्षा शास्त्र पढ़ाया गया हो, विशेष शिक्षा जो होती है एक तरह से, 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, तो वो भी एलिजिबल होगा। स्नातक,
प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता है वो भी एलिजिबल होगा, मतलब स्नातक के साथ भी अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तभी भी एलिजिबल है, यहां परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। स्नातक के साथ अगर आपने डीएलएड फीएलएड किया है तब के लिए आपका परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हाँ, बीएड अगर आपने किया है स्नातक के साथ तो परसेंटेज होगा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, ठीक है, होना चाहिए आपका, यह ध्यान रखिए। तो बीएड वाले भी यहां देखिए प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, साफ साफ बोल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी उन्होंने अपना ऑर्डर जो है सुनाया नहीं है, तो बीएड वाले नहीं भर सकते। यहां पर जब बोल दिया गया कि बीएड प्राइमरी के लिए अलाउ है बिहार में तो अलाउ है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। हाँ, इनके लिए कंडीशन रखी गई है बीएड वालों के लिए कि आपको जब नियुक्ति मिलेगी तो आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स जो है करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको तो ये करना होगा, इसलिए बीएड को अलाउ किया गया और वो एनसीटीई के रूल में भी है। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड आपने किया है। अगर आपने 55% के साथ पीजी किया है और 3 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड के साथ एमएड किया है तो आप एलिजिबल होंगे प्राइमरी के लिए। हाँ, यहां पर देखो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर, वही मैंने कहा 2 साल के भीतर आपको वो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है एनसीटीई के द्वारा वो करना जरूरी है, ठीक है। चलिए बस इतना ही यहां पर बोला गया है, बाकी आपका यहां पर डिटेल में दिया गया है। अब कक्षा 6 और 8 की बात कर लें, यहां पर विद्यालय अध्यापक में स्नातक कक्षा 6 और 8 कोटि के मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 और 8 में विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे, जैसे गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक और भाषा के। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगा, जैसे इनके लिए क्या होगा, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा से द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप मान्य होंगे, अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक और पीजी या बीएड है आपका तभी भी आप एलिजिबल हैं इनके लिए, ठीक है। 45% वालों का वही है जो मैंने आपका बताया, तो आप लोग ये इसे डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी अर्हताएं हैं एक एक सब्जेक्ट के लिए, जो मेन मेन है वो आपको मैंने ऑलरेडी भी बता रखा था। हाँ, तो मेन जो आपका मैंने बता रखा था तो वो आपका वही है, जैसे यहां अगर सिंपल में तरीके से बता दूं कि अगर आपको 11th और 12th के टीचर जाना है, ठीक है, तो यहां पर इसके लिए आपको पीजी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए किसमें, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट जो है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 11 और 12 के लिए, और 9 और 10 के लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है, ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। और 5वीं और 6वीं के लिए आपने देखा 10+2 मेन है, 10+2 के साथ आपका डिप्लोमा भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, यहां पर 50% मार्क्स होना चाहिए, वो जनरल सी बात है। बाकी आप बीएड हो तो बीएड के साथ आपका ग्रेजुएशन चलेगा और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी के लिए। तो ओवरऑल आपकी शैक्षिक योग्यता जो है यही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है, खासकर जो आपके सबसे ज्यादा फंसता है टीजीटी और पीजीटी में, तो आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न को देख सकते हैं कि जो सोशल साइंस के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको 2 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए और 2 सब्जेक्ट में कम से कम 1 सब्जेक्ट आपका इतिहास या भूगोल होना चाहिए सोशल साइंस के लिए। आपका बायोलॉजी वालों के लिए बता दिया कौन कौन से बायोलॉजी में एलिजिबल हो सकते हैं, मैथ के टीचर के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है वो भी मैंने डिटेल में बता दिया। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा,
तो जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से आप अपना देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो में कमेंट करिए। आपका जो अहर्ता है जिसमें आपको नहीं क्लियरेंस हो रहा है कि सर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो उसको आपको पर्सनली क्लियर कर दिया जाएगा आपके जो भी डाउट है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बिहार टीचिंग में जो भी परेशानियां हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एक एक करके छोटा छोटा, क्योंकि आपका पीडीएफ है बहुत सारे, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, एक एक करके आपके जो परेशानियां हैं उसको हम लोग निवारण करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।